हेलो दोस्तों, नमस्कार। चैनल पे आपका स्वागत है एक और लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इग्नू के दो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है फ्रेश एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन। दोनों की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है। उसके साथ साथ बात करने वाले डेट शीट में कुछ चेंजेज आई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट सबमिशन डिजिटेशन वगैरह की डेट को एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तरह के लेटेस्ट अपडेट और वीडियो इग्नू से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहली अपडेट पे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वेबसाइट पे ही अपडेट कर दिया है इसे कि री रजिस्ट्रेशन फॉर जुलाई 2020 सेशन एक्सटेंडेड टिल 31 जुलाई 2020। जिन्होंने अभी तक अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, बिल्कुल एकदम लास्ट चांस है। हो सकता है इसके बाद बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इग्नू में कुछ डिक्लेयर नहीं रहता, लेकिन 15 दिन का एकदम गोल्डन चांस मिला हुआ, तो इसको बिल्कुल वेस्ट मत करिए, अपना री रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर है, जिनका है उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, वो सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो री रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं। तो बिल्कुल एग्ज़ाम भले ही आपका पोस्टपोन होकर दिसंबर में हो रहा है, बट आपको अपना री रजिस्ट्रेशन करवाना है किसी भी कीमत पे, आप करवा लीजिए उसको, नहीं तो 6 मंथ का आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है फ्रेश एडमिशन को लेके। फ्रेश एडमिशन की भी लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि जुलाई सेशन का एडमिशन एक बार भी डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया, तो अभी 31 जुलाई हो चुकी है, ठीक है। अब अपना बहुत सारे जो है 12th बोर्ड के जो है रिजल्ट नहीं आए हैं, CBSE के हो गया और किसी भी बोर्ड को मान लो, तो अभी रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट आ जाने के बाद अपना जो है इसमें फाइनल एडमिशन ले सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह पहले से करके रखिए, जैसे ही आपका रिजल्ट आया, डिक्लेयर हो, आपका जो है मार्कशीट वगैरह जो भी मिले, तो उसको अपलोड करके अपना फाइनल सबमिट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद डेट एक्सटेंड होगी, बट श्योर नहीं है कि जो है कुछ सर्टिफिकेट वगैरह बंद हो सकते हैं, लेकिन मास्टर और बैचलर के तो डेट एक्सटेंड होगी श्योर अभी इसके बाद भी। लेकिन आप इसको लास्ट मान के चलिए और अपना जो है असाइनमेंट सॉरी आपका जो है एडमिशन जरूर ले लीजिए, ठीक है। तो अभी इसमें पोर्टल पे अपडेट नहीं किया गया, अपडेट हो जाएगा। री रजिस्ट्रेशन में भी अपडेट नहीं किया गया दोनों को, लेकिन डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ऑनलाइन प्रोग्राम्स जो हैं चल रहे हैं उनकी भी डेट एक्सटेंड हुई है, और जो मेरिट बेस्ड प्रोग्राम है उनकी भी डेट जो है एक्सटेंड हुई है 15 जुलाई से आपका 31 जुलाई तक, ठीक है। अब डेट शीट में जो एक चेंजेज हुआ है, 12 जुलाई को इसको अपडेट किया गया था, 15 जुलाई को फिर से अपडेट किया गया। ज़्यादा बड़ी चेंजेस नहीं है, लेकिन एक जो इसमें 2-3 चीज़ ऐड की गई। नीचे इसमें 2 ही पॉइंट थे, लेकिन इसमें बैकलॉग जो कि कोर्स आर फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम, जैसे कि आप एक सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो या एक डिप्लोमा या बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री कर रहे हो, अगर उनके सब्जेक्ट को क्लैश करेंगे तो वो भी जो है चेंज नहीं होगा, वो भी आपका वही सेम माना जाएगा, ठीक है। तो और इस आपका MP प्रोग्राम का कोर्स है या फिर एनी डिफरेंट स्पेशलाइजेशन का साथ में पढ़ रहा है, क्लैश पढ़ रहा है, तो वो भी चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मेन मेजर और एक दो चेंज हुए हैं, जैसे कि आपका एक सब्जेक्ट है MESO 16 था, वो 4-8 को था मॉर्निंग सेशन में, उसको जो है मॉर्निंग सेशन में ही, लेकिन डेट चेंज कर दी गई 7-8-21 को कर दिया गया है उसको, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा इस प्रोग्राम को जो सब्जेक्ट है। मैं सजेस्ट यही करूँगा कि जब भी डेट सीट अपडेट हुई है तो एक बार अपना सभी स्टूडेंट फिर से अपना एक बार डेट मैच कर लेंगे, ठीक है। दूसरा जो प्रोग्राम था MWG 005, ठीक है, तो ये मॉर्निंग सेशन में था, उसको 25 को कर दिया, ये 5 को था उसको 25 को करके इवनिंग सेशन में कर दिया गया है, तो 25-8 को। तो अब एक बार इनको इसको भी देख लेंगे, ये कुछ एक्स्ट्रा एक आध दो सब्जेक्ट थे उसको रिमूव किया गया है, ठीक है, तो वो किसी के लिए नहीं है ग्रुप। और इसमें जो फेज लिखा था, फेज 1 फेज 2 फेज 3, जिससे कुछ लोग कन्फ्यूज हो रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट, तो फेज को हटा दिया गया। मैं पहले भी बोला था फेज का कोई मतलब नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है उसका, फेज का फेज लिखने रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं जो है आपके डिजर्टेशन वगैरह प्रोजेक्ट फील्ड वर्क जनरल वगैरह का, जो है डेट अभी एक्सटेंड नहीं हुआ है। मे बी चांसेस हैं कि अभी जो है 31 जुलाई तक जो है एक्सटेंड कर दिए जाए, लेकिन श्योर नहीं है। आज लास्ट डेट है, जो भी करना है आज ही कर लीजिए, अपना असाइनमेंट वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह फील्ड वर्क जनरल इंटर्नशिप जो भी है आप आज करके मान के चलिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, हो सकता है बंद ही कर दें एकदम फाइनल, क्योंकि इनको भी इवेलुएट करने के लिए जो है टाइम चाहिए होता है। तो आप बिल्कुल ना के मान के चलिए और इसको अपना जो है अपना सबमिट कर दीजिए, ठीक है। और जो स्टूडेंट सबमिट नहीं कर पाएंगे, उनकी ड्यूरेशन बची हुई, जैसे फर्स्ट ईयर वगैरह के स्टूडेंट अगर सबमिट नहीं कर पाते हैं असाइनमेंट वगैरह, तो सितंबर अक्टूबर में कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मिलते हैं कोई नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक।